हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब ये वीडियो आपको लगेगा कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे काफ़ी कंसर्न है आप लोगों से एज ए यूट्यूबर, और उनका भी एक मैसेज दे रहा हूँ कि जो जो बंदा यूट्यूब पे है या कुछ मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सही इन्फॉर्मेशन दे। जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, अब मैंने ये वीडियो, ये बात मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि जो ड्रोन लिस्टिंग का आया है रूल, नोटिस आया था कि आपको ड्रोन लिस्ट करवाने हैं, तो काफ़ी मैंने देखा इन्फॉर्मेशन, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी मतलब लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं, ड्रोन की रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं ये बात, मैंने पहले भी करी है, मेरे पहले वीडियोज़ भी आए हैं ड्रोन लिस्टिंग के ऊपर, और ड्रोन टेक डॉक्टर डेडिकेटेड चैनल है ड्रोन की इन्फॉर्मेशन के लिए, और टेक जो मैं यूज़ करता हूँ विट इंक्लूड्स मोबाइल एवरीथिंग द गैजेट आई यूज़। तो ये वीडियो मैंने खास के लिए इसलिए बनाया कि फिर से आपको क्लियर कर दें कि अगर आपने ड्रोन एनलिस्ट करवा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ड्रोन रजिस्टर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्रोन रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ड्रोन रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई है, ड्रोन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैटेगरीज हैं डिफरेंट ड्रोन्स की, नैनो ड्रोन्स के लिए ड्रोन रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, और माइक्रो वगैरह ऊपर वाले ड्रोन्स के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो बिल्कुल आरसी ऐसा बात है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको कहते हैं यूएएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, वो सब डिफरेंट थिंग है, उसको मिक्स मत करें। काफ़ी लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये मैं एक करेक्शन वीडियो कह सकता हूँ, मैं खुद देखता रहता हूँ यूट्यूब पे वीडियोस, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपने ड्रोन एनलिस्ट करवा लिया है तो आपका ड्रोन रजिस्टर हो गया। वो डैन और ओएन नंबर यूआई नंबर से अलग है, फिर से बता रहा हूँ, जब आप ड्रोन एनलिस्ट कराएंगे तो दो नंबर जनरेट होंगे, पहला नंबर होगा ओनर नंबर, उसको कहते हैं ओएन नंबर कि आप उसके ओनर हैं, स्पेसिफिक नंबर आपको मिलेगा। फिर है डैन नंबर, ड्रोन का क्या नंबर है, कितने आप एक ओएन के ऊपर कई ड्रोन डीएन नंबर आ सकते हैं, मतलब एक बंदा कई ड्रोन्स को, जितने भी ड्रोन्स के पास है वो एनलिस्ट करवा सकता है। तो ये ड्रोन की एक लिस्टिंग है, एक लिस्ट बन रही है, एक डाटा बन रहा है कि कितने ड्रोन इंडिया में हैं और कौन है उनके मालिक और वो कहाँ रहते हैं और क्या है उनकी फोटोग्राफ ड्रोन की और क्या है मालिक का आधार कार्ड एंड ऑल दैट, ये एक डाटा जनरेट हो रहा है। ड्रोन रजिस्ट्रेशन डिफरेंट थिंग है, वो क्या है, वो एक आपको यूएन नंबर मिलेगा, वो नंबर तब जनरेट होगा जब आप रजिस्टर करवाएंगे, उसकी प्रॉपर फीस होगी, उसके बाद वो जो नंबर जनरेट होगा वो आपके ड्रोन के ऊपर आपको चिपकाना पड़ेगा और उससे आपका डाटा रिट्राइव, मतलब कौन है उसका मालिक, ये सारा कुछ पता लग सकता है। वो बिल्कुल आरसी की तरह होगा, ऐसे हमारी गाड़ियों की आरसी होती है। तो फ्रेंड्स, दोनों को मिक्स मत करें। काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, मतलब फॉर व्यूज़ एंड ऑल दैट, लोग मनगढ़ंत वीडियो बना देते हैं। तो मेरा मैसेज है यूट्यूबर्स से भी जो मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो काइंडली रिसर्च इट, रिसर्च कर लें और फिर वीडियो बनाएं। और इनकेस अगर आपको नहीं मालूम है, थोड़ा आपको डाइसी लग रहा है, तो उसमें बोल दें व्यूअर्स को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे फैक्ट है, तो चेंज भी हो सकता है, रैंडमली बिलीव मत कर लें। अब मैं जो बता रहा हूँ पूरा रिसर्च करके बता रहा हूँ कि ड्रोन एनलिस्टिंग क्या थी, एक लिस्ट बननी थी पुराने ड्रोन, जितने भी ड्रोन ओनर्स हैं कि वहाँ कौन कौन से इंडिया में कितने तादाद में ड्रोन्स हैं, तो वो मैंने बनाया और उसमें मैंने सबको पहले वाले वीडियो में क्लियर किया कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज मैं बैठा था यूट्यूब पर, मुझे एक वीडियो मिला, उसके ऊपर अराउंड 4-5-6 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं वीडियो पर, अभी अपलोड हुआ है खाली में, एंड महाशय कह रहे हैं कि ये आप कर लेंगे तो आपका ड्रोन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इवन उन्होंने वीडियो का नाम भी डाला है, ड्रोन रजिस्ट्रेशन इंडिया 2020, ऑल द इन्फो, डू नॉट गेट इनटू लीगल ट्रबल। तो ये ड्रोन रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप एनलिस्ट नहीं करवाएंगे ड्रोन, तो आगे के जो स्टेप्स हैं ड्रोन रजिस्ट्रेशन के, जो आने वाले प्रोसेस जब भी शुरू होगी, सब्सक्राइब कर लें और मैं बताऊँगा और आपको भी पता लग जाएगा। मेरा फ़र्ज है वीडियो बनाना कि जब भी होगा तो आई लेट यू नो, बट फिलहाल अभी ये जो एनलिस्टिंग वाली प्रोसेस है, इट इज़ रजिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, कतई नहीं है। और जो नंबर मिल रहे हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो आपके ओनर नंबर और ड्रोन नंबर है, उसका कोई लिंक नहीं है ड्रोन रजिस्ट्रेशन से। तो ये आप, और ये चीज़ें, ये फैक्ट्स उस साइट पर भी दे रखे हैं और उस नोटिस में भी था कि ये जो आप एनलिस्ट करवा रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन कतई नहीं है, दिस इज़ जस्ट एनलिस्टिंग, सिर्फ एक लिस्ट बन रही है, एक डाटा बन रहा है, रजिस्ट्रेशन अलग है, वो भी शुरू नहीं हुई है, वो जब शुरू होगी आपको पता लग जाएगा। तो एक बार फिर से मैं क्लैरिफाई क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और
अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि कई लोग कह रहे थे कि अब हमने नया ड्रोन लेना है, उसका क्या बनेगा। तो उसका जो सोर्सेस से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका ये है कि अभी तो वो लिंक बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले वाले लिंक का यही मतलब था कि जितने पुराने ड्रोन हैं 31 जनवरी से पहले लिए हुए वो वहाँ पर एनलिस्ट हो जाए। अब फिलहाल वो लिंक बंद है, मे बी थोड़े दिनों में वहाँ पर दोबारा से वो खुलेगा फॉर अनदर इनलिस्टिंग ऑफ ड्रोन जो इकट्ठे हो जाएंगे इंडिया में, मतलब जो जनवरी 31 के बाद लिए गए। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, तो वो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ ड्रोन एनलिस्टिंग को ड्रोन रजिस्ट्रेशन से मिक्स ना करें। एनलिस्टिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। और पुराने ड्रोन्स की एनलिस्टिंग मैंने करवा ली है, जिसने करवा लिया कमेंट बॉक्स में लिखें। आप भाई जिसने नहीं करवाई तो अब आपका ड्रोन इलीगल माना जाएगा, क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ था। आप अगर वो आगे मौका देते हैं, मैं इन टच रहूँगा, तो आप अगर आपने नहीं करवाया तो नेक्स्ट राउंड में करवा लें, अगर वो नेक्स्ट राउंड आपको मिलता है तो वो मैं अपडेट आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए वो एनलिस्टिंग लिंक बंद कर दिया गया। तो जो जो मेरे भाई जिन्होंने करवा लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करवाया तो अब वो अपना ड्रोन मत उड़ाएं, क्योंकि अब वो इलीगल बात हो जाएगी अब आपने उड़ाया तो। प्लीज़ माइंड में रखें। और जिसने लिस्ट करवा लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ड्रोन रजिस्टर हो गया, उसका मतलब ये है कि आप एक लीगल पाथ पे चल पड़े। तो जो ड्रोन एथिक्स के ऊपर वीडियो लोगों ने कहा था बनाएं, वो मैं बना दूंगा अभी नेक्स्ट कमिंग डेज में। तो उसके लिए एक निचोड़ ये बता रहा हूँ कि पब्लिक प्लेसेस पे ड्रोन मत उड़ाएं। पब्लिक प्लेसेस पे अगर कोई इवेंट है आपने ड्रोन उड़ाना है तो पुलिस है वहाँ पर लोकल, उससे परमिशन लें प्रॉपर तब उड़ाएं, बिंदास मत उड़ा दें। और शौक ज़्यादा है तो एक आइसोलेटेड जगह में जाएं, खेतों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, जहाँ पर आबादी नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मिलिट्री आर्मी वगैरह का कोई वो नहीं है, वहाँ पर आप आराम से उड़ाएं ताकि किसी को हानि ना पहुँचे और कोई आपको ट्रबल ना करे। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ और बने रहें इस चैनल के साथ। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर मतलब ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टैक्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।